हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी है दो बाइक्स, और भाई दोनों ही 250 सेगमेंट की बाइक है। एक आपकी बजाज की और दूसरी है आपकी KTM की। तो सबसे पहले राइट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने जो पहली बाइक खड़ी है ये है आपकी बजाज की डोमिनार 250। तो आपकी डोमिनार 400 के बारे में तो सब जानते ही होंगे, उसी की स्मॉल सिस्टर है ये डोमिनार 250 है। और काफ़ी अच्छी बाइक है, और बजाज को लॉन्च किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। पावर फिगर की अगर मैं आपको बात बता दूं तो ये भाई आपकी 27 PS की पावर जनरेट करती है, और साथ ही जनरेट करती है 23.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं पे अगर मैं आपका ड्यूक की तरफ जानता हूँ तो ड्यूक जो है आपकी, वो अभी आपकी 250 CC की बाइक है, KTM कंपनी की बाइक है, लेकिन ये जनरेट करती है आपकी 30 PS की पावर, और साथ ही जनरेट करती है आपकी 24.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो भाई पावर के मामले में ड्यूक को एज मिल रहा है, 3 PS की पावर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, और टॉर्क भी आपका 1 Nm का ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। तो ये थे इसकी स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। वेट, तो डोमिनार जो आपकी 250 है ये आपकी 180 kg की आती है, वहीं जो ड्यूक आपकी 250 है ये 170 kg की है। तो ज़्यादा पावर होने के साथ जो वेट है इसका वो 10 kg कम है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ड्यूक को एज मिलेगी। साथ ही आप देख पाओगे सामने से तो ड्यूक जो है वो ज़्यादा एरोडायनेमिक शेप में बनी हुई है। बाकी दोनों ही आपकी लिक्विड कूल बाइक्स हैं, और दोनों ही आपकी 6-speed ट्रांसमिशन के साथ आती हैं। तो एक बार चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों की परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं कि कौन सी बाइक ज़्यादा फास्ट है, कौन सी इनिशियल में ज़्यादा आगे निकल जाती है, और टॉप स्पीड ज़्यादा अच्छी है। तो मैं स्टार्ट कर देते हैं रेस। सबसे पहले मैं डोमिनार चलाऊँगा और भाई हमारे चलाने वाले हैं ड्यूक 250। तो भाई देखिए स्टार्ट कर देता हूँ मैं, और ये डोमिनार का मीटर स्टार्ट हो चुका है। ऑसम मीटर दिख रहा है यार, और यहाँ पे ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिखती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। थोड़ा आगे एक टेम्पो खड़ा है, उससे थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ मैं ताकि सामने कोई आए ना। तो भाई आ गए हैं, और अविनाश आपके देने वाले हॉर्न। अब भाई ड्यूक निकल गई आगे, और यहाँ पे इनिशियल में ड्यूक आपकी निकल गई है। अब देखते हैं डोमिनार कैच कर पाती कि नहीं कर पाती। और ओ भाई साहब क्या इनिशियल है ड्यूक का, और जैसा मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है ड्यूक के पास। एक तो आपकी 10 kg लाइट है, राइडर को जो उसको चला रहा है उसका वेट भी लाइट वेट है, इसके अलावा ज़्यादा पावर जनरेट करती है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ डोमिनार से उसको बीट करने की 250 से। और यहाँ पे अगर हम दोनों के गियरिंग की बात करें तो यार इसमें थोड़ा ज़्यादा डोमिनार के अगर डोमिनार की उसके बात करें तो इस जो ड्यूक 250 का इसमें गियर थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट लगता है। तो अभी 5th gear में देखो 135 पहुँच चुकी है गाड़ी, एंड 6th gear की हम देखते हैं कितनी जाती हैं। पर मुझे लगता नहीं कि डोमिनार 250 उसको बीट कर पाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो वो है गैप है वो बन गया है। अगर आपको देख पा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई है आपकी ड्यूक, अच्छा खासा गैप बन गया है। देखते हैं यार 141 दोनों 250 सेगमेंट में हैं, और यहाँ पे बजाज वर्सेस KTM हो रहा है, इंडियन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन है। देखते 144 और गैप कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। डोमिनार भी अच्छी खासी स्पीड क्लॉक कर रही है, 147 स्पीड इसने क्लॉक कर दी ऑलरेडी। मुझे लगता है 147 इस वेट के साथ एक अच्छी स्पीड है, क्योंकि भाई ये परफॉर्मेंस बाइक नहीं है डोमिनार 250, ये आपकी टूरिंग सेगमेंट में आती है।
कहीं से भी इसको परफॉर्मेंस बाइक आप नहीं बोल सकते हो। इसका जो शेप है, जो राइडिंग पॉस्चर है, वो किसी भी परफॉर्मेंस बाइक से मैच नहीं करता, या आपका टूरर से मैच करता है। तो भाई अब इसकी स्पीड कम होना शुरू हो चुकी है। ओ भाई साहब मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। अभी तक बजाज निकल नहीं पाई है मुझसे आगे। फर्स्ट रेस को हम यहीं पे एंड करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे सेकेंड रेस राइडर स्विच करके। तो फर्स्ट रेस में देखते हैं अभी क्या रिजल्ट। तो आपने देखा कि फर्स्ट पे ड्यूक रही, बाकी एक बार जो हमारे राम भैया हैं उनसे पूछते हैं कि क्या पोजीशन रहा लॉन्चिंग का उनका। तो थोड़ा धीरे कर लेते हैं, और भाई अविनाश ने भी बाइक अपनी धीरे कर ली है। तो चलिए एक बार राइडर चेंज करके भी देखते हैं, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है, तो क्या मेरे वेट के साथ भी ड्यूक सेम परफॉर्मेंस दे पाती है कि नहीं दे पाती है, ये देखते हैं। बट फर्स्ट रेस जो था उसका जो विनर है वो आपकी KTM रही है 250। क्या पोजीशन आपका इनिशियल का? इनिशियल अच्छा है इसका, लेकिन यही है कि इसको कंपेयर नहीं कर पाएगी, और साथ ही साथ 147 तक गई, लेकिन उसके बाद स्पीड गिरने लगी इसकी। हाँ, 10 kg ज़्यादा वेट है इस गाड़ी का। मेरा वेट भी तो कम है। और देखिए आप, ड्यूक आगे निकल गई है। ओ भाई साहब, ड्यूक निकल चुकी है आगे, डोमिनार है भी जस्ट पीछे। तो देखते हैं क्या सीन निकल के आता है। 120, 128। जैसा कि पिछले रेस में हुआ था कि KTM ड्यूक ने जो आपकी बढ़त बढ़ाई थी, वो इस रेस में भी सेम है आपका। मैं बता रहा था आपको कि भाई ड्यूक जो है ये परफॉर्मेंस बाइक है, और भाई लाइट वेट है, 10 kg का डिफरेंस है दोनों की बाइक में, दोनों ही बाइक में 10 kg का डिफरेंस है। ड्यूक आपकी 170 आती है kg की, और जो आपकी डोमिनार 250 है आपकी 180 kg ड्राई वेट आता है। तो भाई मुझे लगता है उस वजह से भी है। इसके अलावा 3 PS ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है ड्यूक आपकी। इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है यार, डोमिनार में एक चीज़ बहुत कमी थी कि भाई डोमिनार का इंजन बिल्कुल रिफाइंड नहीं है। 130 भाई बहुत आगे निकल गई है, अभी देखते हैं कवर कर पाते कि नहीं कर पाते। जो आपकी डोमिनार 250 है, इसका इंजन आपका कहीं से भी आप रिफाइंड इंजन नहीं बोल सकते हो, उसको काफ़ी वाइब्रेट करता है। 70-80 के ऊपर वो वाइब्रेशन करना शुरू हो जाता है इंजन। तो ये है, बाकी देखिए 142 पे मैं आ ही गया हूँ, और आगे देखता हूँ कितना ज़्यादा आगे जा पाता हूँ मैं। मुझे लगता नहीं कि डोमिनार वाले भाई आप आएंगे यार, काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। सेम रिजल्ट है जो पिछली रेस का रहा है, काफ़ी ज़्यादा लीड बना ले गई ये बाइक। तो ये थी आपकी दूसरी ड्रैग रेस और परफॉर्मेंस टेस्ट, जो भी आप बोलना चाहो। ड्रैग रेस तो प्रॉपर नहीं बोल सकते क्योंकि ज़्यादा लंबा खींच देते हैं हम लोग, तो परफॉर्मेंस टेस्ट बोलना ज़्यादा सही रहेगा इसको। बट आपने देखा कि जो पहली रेस का जो रिज़ल्ट था, जो पहले टेस्ट का रिज़ल्ट था, वो भी सेम है। जो दूसरे टेस्ट का रिज़ल्ट है वो भी सेम है आपका। दोनों ही मायनों में, चाहे टॉप स्पीड की बात कर लें, चाहे आप इनिशियल की बात कर लें, ड्यूक 250 जो है वो डोमिनार 250 को ईज़िली बीट कर देती है। मतलब थोड़ा सा भी कॉम्पिटिशन नहीं दे पाती है वो इनिशियल में ड्यूक 250 को डोमिनार 250। तो ये थी आज का व्लॉग, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो भाई जल्दी से आइए चैनल को सब्सक्राइब
लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।